मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल नवयुवक अजय राम की जान बच गई है। अजय की जान बचाने के लिए चिकित्सकों को उसका एक हाथ काटकर अलग करना पड़ा। रायपुर में उपचार के बाद स्वस्थ होकर अजय अपने घर वापस आ गया है। अजय राम ने सीएम का आभार व्यक्त करने बगिया स्थित सीएम कैंप कार्यालय वो पहुंचा। उन्होंने बताया कि जशपुर जिले के कासाबेल ब्लॉक के बंदरचुआ गाँव के रहवासी हैं। मार्च महीने में एक सड़क दुर्घटना में गंभीर से घायल हो गए थे। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण परिजनों ने उपचार के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सहायता मांगी थी। सीएम विष्णुदेव साय ने इस गरीब परिवार के चिराग की जान बचाने के लिए रायपुर के अम्बेडकर अस्पताल में निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की थी। अजय ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सीएम की पहल से उनकी जान बची है। सीएम कैंप कार्यालय ने अजय राम के भविष्य की राह आसान करने के लिए कृत्रिम हाथ और दिव्यांग प्रमाण पत्र की व्यवस्था करने का भरोसा दिया है। वहीं बेटे की जान बचाने के लिए अजय के पिता महेश राम ने भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया है। मेरा नाम अजय राम है और मेरे पिताश्री का नाम महेश राम है और मेरा एक्सीडेंट 25 मार्च को होली के दिन में सड़क दुर्घटना के कारण हुआ था और मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा हाथ पूरी तरीके से सही हो गया है और यहाँ सीएम कैंप उनके हाउस में आए थे और यहाँ मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बस इतनी। और ठीक हो गया, अब क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। 25 तारीख होली दिन था और उस दौरान इसका एक्सीडेंट हुआ और उसका हाथ कट गया और ये सीएम साहब के यहाँ आए हम लोग और एम्बुलेंस से पहुँचाए मैं कह रहा हॉस्पिटल और वहाँ से इलाज करके अभी स्वस्थ हो गया है और उसका बहुत बहुत धन्यवाद।